कि जब भी आप लोग टच निकालें या टच ग्लास निकालें डिस्प्ले से अलग करें, तो जो लेमिनेशन पन्नी आती है उसको आप लोग ग्लास या टच के ऊपर ज़रूर चढ़ा लें, क्योंकि आप चढ़ा लेंगे तभी ये मतलब जो ये लाइनिंग टूटी हुई धारी होती है, ये जब आप लोग जो टच निकालने वाला तार आता है, तार या वायर है जिसे अलग करते हैं, वो इसमें नहीं फंसने पाएगा, नहीं तो डिस्प्ले भी टूट जाएगी। आप लोग लाइनिंग देख सकते हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को कि जहाँ जितना भी टूटा हो ज़रूर चढ़ा लें। ये हम पहले से ही चढ़ा करके रखे हुए हैं, आप लोगों को दिख भी रहा है, देख लीजिए। और जो इसका मॉडल है माइक्रोमैक्स का, वो हम बैटरी रिमूव करके दिखा भी देंगे। ये हम पहले से ही रखे हुए हैं, आप लोगों को दिखा दें। माइक्रोमैक्स एच एस टू जो कि इसका जो टच है वो आज हम रिप्लेसमेंट करके दिखाएंगे और खोल के दिखाएंगे कि डिस्प्ले से इसको कैसे किस तरीके से अलग इसको करते हैं। और जो टच का मेन पत्ता है वो देख लीजिए, यहाँ पास लगा हुआ है। ये टच का जो पट्टा है वो इसमें लगा हुआ है, और इससे होते हुए ये डिस्प्ले का पत्ता है और ये चार्जिंग का पत्ता है, दोनों ये जो दोनों हैं एक ही साथ में है। तो इसको हम सेपरेटर जो मशीन होती है उसकी मदद से इसको अलग करेंगे। तो आप लोगों को हम अभी सेपरेटर मशीन का जो टेम्परेचर होता है उसको कितने हीटिंग पर रखें सेपरेटर मशीन को, कि जो डिस्प्ले है वो बेकार ना हो, यानी टूटे ना और अच्छे से एकदम बढ़िया कंप्लीट निकल आए। तो आप लोगों को दिखा दें तो टेम्परेचर मशीन की ओर अब चलते हैं। तो दोस्तों टेम्परेचर मशीन अभी 78% हीट हो चुकी है। अब जो इसका मेन हीटिंग है वो 100 ही आप लोग रखें, इससे ज़्यादा ऊपर ना रखें, नहीं तो डिस्प्ले पर जो ब्लैक दाग आ जाते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा मोबाइल, और इसको हम इसी के ऊपर रख देते हैं और ये हीट हो जाए। अभी आप लोग देख सकते हैं 100 पर जो हम डिस्प्ले निकालते हैं या टच ग्लास निकालते हैं जो मोबाइल है उससे, तो हम 100 की हीटिंग है उसी की मतलब उतने पर ही निकालते हैं। तो इसको हीट हो जाने देते हैं 100, आप लोगों को दिखा देंगे वो और निकाल के भी दिखाएंगे। तो दोस्तों जो मशीन थी वो हीटिंग हो चुकी है, अब जो बारी है इस ये टच जो है टच वाला पत्ता हम हटा रहे हैं और डिस्प्ले का मेन पत्ता जो उसको हटाए दे रहे हैं। अब जो मशीन एक बटन लगी हुई थी उसकी मदद से हम इसको ऊपर रखेंगे, और ये देख लीजिए आप लोग बहुत ही ईजली जो है हट गया, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये डिस्प्ले है, अब डिस्प्ले को किस तरीके से हटाएंगे, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को बता रहे थे टच वायर, जिस टच निकालने वाला वायर, तो उसकी मदद से हम इसको ना निकाल रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से निकालें जिस तरीके से हम निकाल लें, और देखेंगे फिल्म पन्नी कट रही है कि नहीं कट रही है। और जिस तरीके से हम निकाल लें आप लोगों को और भी हम दिखाई दे रहे हैं, ऊपर करके भी अभी दिखा देंगे, तो मतलब अच्छे से। तो जैसे ही हम मतलब इसको निकाल लें उसी तरीके से भी आप लोग निकालना है इसको। तो ये निकल गया, लगभग कुछ ही टाइम लगेगा ये दे। और ये तो ये डिस्प्ले हमारी अलग हो चुकी है, ये दे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले अलग हो गई ये दे। और डिस्प्ले में ही टच जो लगा हुआ होता है ये दे अलग हो गई है। तो अभी जो इसका मेन ग्लू है, मेन ग्लू इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। और रिमूव करने के लिए आप लोगों को जो डिस्प्ले है डिस्प्ले को इसी के ऊपर रखना पड़ेगा, यानी हल्का
हीट देना पड़ेगा, तभी ये जो इसका मेन ग्लू है वो हट पाएगा। तो हम रख लेते हैं और अभी दिखा भी देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा जितना ग्लू था एक साथ में ही निकल रहा है। ये दें तो कुछ ग्लू बच जाएगा, वो हम जो उसकी मदद से इसको हटा देंगे, जो वो होता है क्या बोलते हैं अरे एसीटोन की मदद से हटा देंगे। तो एकदम क्लीन देख लीजिए, अभी थोड़ा बहुत जो ग्लू है तो बच गया है, आप लोगों को दिखा दें। ये देख एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्प्ले निकल गई है। तो थोड़ा बहुत लगा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो उसको ना उसको हम थिनर की मदद से और जो एसीटोन की मदद से ग्लू की नीलर मदद से इसको हम रिमूव करेंगे, साफ क्लीन एकदम करेंगे। तो दोस्तों मशीन देख लीजिए 100% जो हीटिंग पर थी तभी के लिए हम इसको निकाले होते। और डिस्प्ले भी आप लोगों को दिखा दें, ये एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। ये देख अब जो बारी है आप लोगों को हम चेक करके भी दिखा देंगे, किस तरीके से इसको चेक करेंगे वो भी दिखाई दे रहे हैं। टच है आप लोगों को दिखा दें, टच जो मार्कर से हम लेकर आए हुए थे नया, और इसको इस तरीके से मतलब उल्टा लगाएंगे और देखेंगे डिस्प्ले भी टूटी तो नहीं है। ये देख ऐसे मतलब दाग बन जाते हैं जब सेपरेटर मशीन अपनी तरफ खींचती है, तो इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे। और इस पर ना हल्का एक टेप मॉडल लगा होता है हीटिंग टेप, तो मेरे पास हीटिंग टेप तो नहीं है लेकिन हमारे पास ये वाइट वाला टेप है, ये हम इसी को लगा देंगे। वीडियो को पूरा आप लोग देखना तभी जो है अच्छे से मतलब समझ पाओगे। अब जो है हम इसको इस तरीके से लगाए दे रहे हैं, देख लीजिए कोई वीडियो कटिंग नहीं होगी, लॉन्ग चाहे जितनी भी हो जाए। ये देख देख लीजिए आप लोग, इसको हम लगा लेते हैं थोड़ा। नो डिस्प्ले एकदम क्लीन आ गई और टच को भी हम लगा लिए। अभी आप लोगों को खोल के हम ये बैटरी खोल के भी दिखा देंगे, पहले ये पूरा खुल जाए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हम पूरा इसका जो आन है वो भी खोल चुके हैं। ये देख पूरा जो आन खुलता है वो भी खोल चुके हैं। अब बारी जो है आप लोगों को हम मॉडल भी मतलब दिखा भी चुके हैं और